जैसी करनी वैसी भरनी। मालदीव के ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि बहुत जल्द मालदीव खत्म होने वाला है, अस्तित्व मालदीव का समाप्त होने वाला है और इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। 21वीं सदी का अंत होते होते मालदीव का भी खात्मा हो जाने वाला है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, अमेरिकी वैज्ञानिक की 40 साल की रिसर्च कह रही है। देखिए दरअसल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसीलिए जो ध्रुवीय बर्फ है उसका पिघलना लगातार जारी है और ऐसे में समुद्र के पानी का जो लेवल है वो तेजी के साथ ऊपर आ रहा है। अब देखिए मालदीव जो कि एक द्वीप है, हम सभी जानते हैं, आइलैंड जो कि पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, एक टापू जैसा बीच में उभरा हुआ और चारों तरफ उसके पानी, उसे कहते हैं द्वीप। अब समुद्री पानी का जल जिस तरह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनके ऊपर संकट है, जो उसी समुद्री पानी में डूब सकते हैं और उसी में से एक है मालदीव, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स का दावा है। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि कैसे जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघलते चले जा रहे हैं और समुद्री जो जल है वो बढ़ता जा रहा है। 40 साल तक अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है जिनका नाम है बेनो गिटेनबर्ग, वो भी यही बात कह रहे हैं कि समुद्री पानी का बढ़ना और 5 ऐसे द्वीप हैं जिनके ऊपर खतरा मंडराना, मालदीव भी उसी में से एक है। और ये तमाम एक्सपर्ट और रिसर्च मिलकर इशारा इसी ओर कर रहे हैं कि समय मालदीव के पास बहुत ज्यादा बचा है नहीं। 21वीं सदी का अंत होते होते समुद्री जल जिस तरह से बढ़ रहा है वो पूरी तरह से मालदीव को अपनी चपेट में ले लेगा और मालदीव इसमें डूबता चला जाएगा। तो उस सौंदर्य के ऊपर मालदीव को जो अपने बहुत घमंड है, मां के मंत्रियों ने जो भारत के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो कुछ कहा, वो सब जिस सौंदर्य के बल पर वो लोग कह रहे थे, वो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत जल्द खत्म हो सकता है। वैज्ञानिक कम से कम इसी ओर इशारा भी अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मालदीव के लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा संकट है। देखिए अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका हवाला मैंने आपको दिया, उन्होंने तो 40 साल तक रिसर्च किया है और उनकी पूरी रिसर्च इसी ओर इशारा कर रही है कि ना तो ग्लोबल वार्मिंग अभी थम रही है और ना ही समुद्री जल का बढ़ना किसी तरह से रुकने वाला यहां पर है। और ऐसे में मालदीव उसके साथ साथ 4 और द्वीप जिसके लिए वैज्ञानिक बहुत ज्यादा सशंकित है और ये कह रहे हैं कि इनका खात्मा, इनकी समाप्ति तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं और पास है। लक्षद्वीप और मालदीव इन्हीं की तुलना के साथ ये पूरा अब जो घटनाक्रम था वो शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उनकी तरफ से तो अपने देश की जो ख्याति थी वो बढ़ाना, अपने देश के सौंदर्य को लोगों तक पहुंचाना, टूरिज्म को लक्षद्वीप के बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य था। मालदीव के नेताओं ने इसे गलत ढंग से ले लिया, वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू इसे शायद नहीं समझ पाए, उनके मंत्री इसे नहीं समझ पाए और उन्होंने तुलना कर दी लक्षद्वीप और मालदीव की। अब सचेत उन्हें हो जाने की जरूरत है क्योंकि वैज्ञानिक इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जीवन मालदीव के ऊपर अब बचा रह नहीं गया। ये 3-3 रिसर्च का हवाला मैंने आपको दिया जिसमें वर्ल्ड बैंक भी इसी ओर इशारा कर रहा है, अमेरिका के वैज्ञानिक भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि 21वीं सदी का अंत होते होते मालदीव की भी समाप्ति हो जाने वाली है और पूरी तरह से समुद्र के पानी में मालदीव डूब जाने वाला है। तो क्या इसे इस ढंग से भी देखा जाए कि जैसी करनी वैसी भरनी।